प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार एनिम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को बताने वाला हूं। बिहार सरकार ने करीबन 70,000 एनिम नर्सों का यहां पर लिस्ट जारी किया है और ये लिस्ट में आपका भी नाम होना लगभग तय है। कैसे आप लोग को अपना नाम देखना है और ये लिस्ट क्यों जारी किया गया है और क्या ये इंपॉर्टेंट लिस्ट होने वाला है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये एनिम 10,700 जो कि बीटीएससी की परमानेंट बहाली है उसके भी नजरिए से इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बात करेंगे। तो ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बता। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियली तरीके से बताने वाला हूं कि आप लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को गूगल पर सर्च कर लेना है BNRC, जी हाँ दोस्तों, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ये सर्च करने के बाद आप सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पे आ जाइएगा। ये वेबसाइट क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं और BNRC क्या है और क्यों ये जरूरी है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो आपने ट्रेनिंग किया है उसके बाद आपको बिहार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कागज होगा। जो भी आपने यहाँ पर डिग्री किए होंगे, जो भी बहने हमारे, जो भी महिलाएं किए होंगे, उनके पास ही जो कि रजिस्ट्रेशन कागज होगा और वो रजिस्ट्रेशन कागज होता है वो BNRC से ही अप्रूव होता है। अब अगर यूपी के होंगे तो UPNRC होता है, लेकिन बिहार वासियों के लिए BNRC रहता है। सभी स्टेट का अपना एक जो कि रजिस्ट्रेशन काउंसिल होता है। अब यहीं पर आइएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको 29 तारीख के डेट में यहां पर लिस्ट देखने को मिलेंगे जो कि एनएम के लिए RANM से लिखा रहेगा और इसे पर आपको क्लिक करना होगा और आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरा पहले से डाउनलोड है इसी कारण मेरा यहां पर ओपन हो रहा है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आप डायरेक्टली जो यहां पर PDF जारी किया गया है उस पर आप लोग का ओपन हो जाएगा। मैं सबसे पहले टोटल आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों कितने सारे लोगों का यहां पर है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, करीबन 1346 पेजेस में लिस्ट जारी किया गया है और टोटल संख्या की बात किया जाए तो यहां पर 70,000 प्लस लोगों के नाम को जारी किया गया है। एक बड़ा संख्या है 70,000, वो आप लोग को भी पता है और सभी के सभी एनएम बहने हैं। सबसे निचले पेज पर हम लोग आ चुके हैं, लगभग सबसे निचले पेज पर हैं। अब ध्यान से समझते चलिएगा, सबसे अगर टॉप पेज पर जाइएगा तो टॉप पेज पर यहाँ पर शुरुआती से बताया गया है। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें घबराते हैं कि सर हम अपना नाम कैसे सर्च करें। नाम सर्च करना सबसे पहले बहुत ही ईजी है, आपको ऊपर ही सर्च वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका PDF ओपनर है उसी में आपको देखने को मिलेगा, बस आपको उसमें टैप करना है और उसके बाद अपना नाम जो भी है, मान के चलिए एक नाम ले लेते हैं जो कि कॉमन नेम हो, तो यहाँ पर एक नाम लेते हैं रीता, RITA रीता। अब इसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो आपका पूरा नाम है पहले पूरा नाम लिख लीजिए या फिर तो अपने आप एक बार में देखना चाहते हो तो आप लोग अपना जो एनएम का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे भी डाल सकते हो, लेकिन ये भी इजी प्रोसेस है। अब जैसे कि कुमारी है तो यहाँ पर KUMARI लिख देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही लिखते हैं उसके बाद आगे क्या रहेगा। अब जैसे ये लिखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके नाम से भी कई सारे लोग होंगे, यहाँ पर 200 से ऊपर लोग रीता कुमारी से हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर तो हमें भी अभी भी खोजना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या कीजिए, आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। मान के चलिए इनके पिताजी का नाम कुछ भी होगा, यहाँ पर मान के चलते सुमित लिखते हैं। अब देखता है कोई आता है या नहीं आता है, बहुत ही दिखेगा कम ऐसा आएगा जो कि यहाँ पर इनका नाम सुमित रहेगा, SUMIT यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जैसा कि सुमित नाम से कोई नहीं है, अगर मानिए चलिए कोई और नाम से जरूर होगा, यहाँ पर सुमित नाम से तो नहीं मिला। अब देखिए कोई भी एक कॉमन नेम ले लेते हैं। अब जैसे कि एक नाम है AR जो कि यहाँ पर है सुकर महतो, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर एक ही नाम है, मतलब कि जो आपके पिताजी का नाम होगा वो सर्च कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ही लोगों का नाम है ये और एक का नाम आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना नाम है। अगर 5-6 में आ रहा है तो 5-6 भी एक बार देख लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आ चुका है, जिनका भी नाम होने वाला है उनका नाम आ चुका है। और एक चीज मैं आपको और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग को ये दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे लोग का कहना है कि सर ये कब से का है, मतलब कब से ये लिस्ट जारी हुआ है और
कब से कब का है, 70,000 लोगों का लिस्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक, जी हाँ दोस्तों, जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उससे आज, जो कि 2000 लगभग यहां पर 22 तक का लिस्ट आया है, 2022 का है, 23 का नहीं है, ये मत सोचिएगा, जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे उनका भी आ जाएगा। ये 2022 तक जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों का है। यहां पर देखिएगा, इसका स्टार्ट हुआ था 1981 से ही, तो यानी टोटल यहां पर बिहार में अब तक समझ रहे हो आप लोग भी, अब तक करीबन 70,000 एनएम के कोर्स कर चुके हैं जो कि बिहार से हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों एनएम 10,700 के नजरिए से है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखिए, आपको पता होगा, अगर आप एनएम 10,700 का विज्ञापन निकालिएगा, एडवर्टाइजमेंट निकालिएगा, तो उसमें एक चीज बताया गया है। क्या बताया गया है? योग्यता के सेक्शन में कि उनको बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये जिसमें भी लोगों का लिस्ट जारी किया गया वो सभी के सभी बीएनआरसी से रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कोई और राज्य से आकर के फिर बीएनआरसी में कराते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो यूपी से बिहार बीएनआरसी में करवा लेते हैं, उन लोगों का भी लिस्ट है, जो कि लास्ट में करीबन 5,000 की संख्या में वो लोग भी हैं। और टोटल यहाँ पर ऐसे बात कर सकते हो, बाकी जो बिहार से कोर्स किए होंगे फिर बाद में यहाँ पर कोई और राज्य में ट्रांसफर ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत बार नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं कि जब नई वैकेंसी, बड़ी भर्ती कहीं और आती है तो वहां पर ट्रांसफर ले लेते हैं, या अगर यूपी में आया तो यूपी एनआरसी से ले लिए, यूपी नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से ले लिए। बहुत सारे अपने अपने राज्यों का अपना अपना होता है और वो ट्रांसफर का भी काम चलता रहता है, तो बहुत सारे लोग वो करते हैं, तो उसमें इन लोगों का नाम नहीं आएगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। बाकी जो स्टूडेंट्स जब के पास आउट है वहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हो, अगर आप 2022 के साथ छात्र हो तो वहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हो। नीचे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पर लगभग जारी किया गया वो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देना चाहता हूं। टोटल संख्या की बात किया जाए तो टोटल की एक बार मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो टोटल यहां पर देखिएगा तो करीबन आपको देखने को मिलेगा 65,000 तो यहां होने वाला है। उसके बाद नीचे आने लगिएगा तो जो जो यहां पर ट्रांसफर करा के यहां पर किए हैं ट्रांसफर के केसेस में, उन लोग का इधर लिस्ट होने वाला है। तो ये लिस्ट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप बेकार में ये लिस्ट बता रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप सोचिएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अगर एनएम 10,700 के भी नजरिए से देखिए तो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार नाम देख लीजिएगा, ऐसे लगभग सभी का नाम मिल जाएगा। अब जिन लोगों का नाम नहीं मिला होगा वो एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था या नहीं हुआ था, और कौन से सत्र में हुआ था ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा, लगभग सभी का नाम मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो इससे आपको एक आंकड़ा पता चल रहा होगा कि बिहार में 70,000 के करीबन यहां पर आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स है। मान के चलिए ये 10,700 की बहाली के कंप्लीट हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स यहां पर कमी होगी, जैसा कि आपको पता होगा जो कि संख्या जैसा कि आया था कि 10,700 भर्ती में 50,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो सही बात है क्योंकि 70,000 अब तक ने किया है तो यहां पर 50,000 लोग तो आवेदन करेंगे, क्योंकि 2015 वालों को, लोगों के लिए भी जिनका 2015 में उम्र खत्म हो चुका था, तो उन लोगों को भी इस भर्ती में मौका दिया गया होगा, आपको पता होगा, वो भी मैंने आपको बताया था। तो इसके कारण से 50,000 आवेदन जरूर जुटे हैं, तो ये बात एकदम क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई और बात यहां पर जानना चाहते हो, ये सूचना जारी किया गया एक तरीके से आप कह सकते हो, इलेक्शन रोल को लेकर के, इलेक्टेड रोल को लेकर के यहां पर जो कि बीएनआरसी के माध्यम से जारी किया गया है। बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, निश्चित रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग का बहुत सारा मानना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार ने इस लिस्ट को इसलिए जारी किया है कि ये देखा जाए कि कितने लोगों का नौकरी हुआ है और कितने लोगों का नहीं, बहुत सारा बात हो सकता है, अभी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी ये अपडेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों को, तब तक के लिए गुड बाय।